अरुण गोविल जी कौन है? श्री राम है हमारे लिए, तो श्री राम ही है और राम हमेशा रहेंगे और अब की सीट उन्हीं की होगी। श्री राम को आशीर्वाद जी। मैं अरुण गोविल जी को देखने आई थी और हम उनको एज ए कैंडिडेट ही देखते हैं, तो बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अब की बार 400 पार के लक्ष्य को हम पार दूर पूरा करेंगे। यहाँ की जनता किसे पसंद करती है? यहाँ की जनता अवश्य, क्योंकि मोदी जी ये कार्यों को देखते हुए जो भी हमारे कमल का फूल से प्रत्याशी होगा उसे हम विजयी बनाएंगे। कमल का फूल प्रत्याशी है और मोदी जी हमारे जो है विकास कार्य जो चल रहा है वो ऊपर से ही चल रहा है ना, मोदी जी के तत्वावधान में ही सब कुछ कथा आगे नीचे काम हो रहा है। और कोई और प्रत्याशी खड़ा होता वो भी जीतता, क्योंकि कमल का फूल ही प्रत्याशी है और पहचान मोदी जी हैं। अरुण गोविंद जी है ना एक भारतवर्ष में राम की छवि हैं, तो इसलिए उस छवि के को देखते हुए उनके जब वो आते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान राम, क्योंकि उन्होंने उस राम का अवतार निभाया था। पर हम नरेंद्र मोदी जी को ही वोट कर रहे हैं। अब बस मैं पूछ लेती हूँ, आपको कौन बढ़िया लगता है? हमें तो मोदी जी अच्छे लगते हैं। क्यों? उन्होंने सारे विकास किए, भारत में नहीं विदेशों तक में हमारा नाम है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, यूपी से हम भगवान ले रहेंगे। श्री राम प्रचार करें या ना करें, वो घर बैठ के भी अगर वो आज प्रचार स्टॉप भी कर दें तो भी चुनाव जीतेंगे। जनता के मन में जो भाव है उनके लिए, वो भाव ऐसे हैं कि अभी आप देखना, अभी तो 15 दिन चुनाव में, जब वो घरों में मोहल्लों में जब जाएंगे गली में भी, तब भी इस तरीके से मतलब एक तरीके से आरती उतारी जाएगी। मैं योगी जी का बहुत बड़ा एहसान है, यूपी में हमारी बहन बेटी रात के 12 बजे जा सकें योगी जी की, हम रात के 12 बजे रुपये हाथ पकड़ के जा सकें, किसी की हिम्मत ना टच कर दे, और जो टच करे योगी स्पष्ट कहते हैं या तो जेल में या ऊपर। योगी जी को हमारी औलाद भी ना भूल सके, जब तक सूरज चांद है यूपी योगी को ना भूले जी कभी।